हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है फोन पे गिफ्ट कार्ड वॉलेट पर, तो इसे किस तरह आप बैंक अकाउंट पे विड्रॉल कर सकते हो। और भी एकदम सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ, दो मेथड बताने वाला हूँ दोस्तों। 101% आपका ट्रिक काम करने वाला है, किस तरह आप इसे विड्रॉल कर सकते हो। जैसा कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फोन पे, इस तरह देख सकते हो फोन पे गिफ्ट कार्ड। इसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बंदे को रेफ़र किया था अपना इस आईडी, अपना इस लिंक से, और इसमें मेरे को क्या मिला, 100 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मिला है। अभी इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा इस बैलेंस को मेरा अकाउंट पर पहुँच जाए। तो क्या करना है उसके लिए दोस्तों, सबसे आसान मेथड मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेथड ये होता है, अगर मान लीजिए कुछ खरीदारी करना चाहते हो आप, कोई भी शॉप पर आप जाओगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ़ोन पे का बारकोड लगा हुआ है, तो ये एक मेथड हो गया। आप यहाँ से स्कैन करते हो वो फ़ोन पे का बारकोड, तो आपको इजीली वो पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे रेंडम एक बारकोड डाउनलोड करने वाला हूँ गूगल से, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ़ोन पे बार क्यूआर कोड। ओके, क्यूआर कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ़ोन पे क्यूआर कोड मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इमेज पर क्लिक कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं कोई भी एक QR कोड डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए ये QR कोड मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये QR कोड मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये पता नहीं दोस्तों किसका शॉप का है। दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ और लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये बार कोड, चलिए ये बार कोड है, मैं ये क्या करूँगा यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। दोस्तों ये पता नहीं किसका शॉप का है, जो भी ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर 1 रुपया मैं भेजूंगा अभी, और क्या ये बैलेंस शो करता है या नहीं करता ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक किया दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इमेज पर क्लिक करूँगा और ये बार कोड मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसा ही मैं बार कोड सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ आना मांगता है, आप लोग देख सकते हो फ़ोन पे मर्जेंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, कि ये जो मर्जेंट है इसको बोला जाता है कि ये दुकानदार का फ़ोन पे अकाउंट, इसको इस तरह भी बोल सकते हो मर्जेंट अकाउंट। तो मैं क्या किया, इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये चेक कर रहा है और ये चेक सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं 1 रुपया, चलिए मैं 1 रुपया आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइव ट्रांजेक्शन करके। जैसा ही मैंने पे किया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इसमें मेरा 100 रुपया पड़ा हुआ है, इसमें से मैं 1 रुपया सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पे कर देता हूँ, देखता हूँ क्या इसमें से कट होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ये पता नहीं कौन है, मैंने रेंडमली इसके ऊपर 1 रुपया ट्रांसफ़र किया ताकि आप लोगों को प्रूफ दे सकूँ। अभी दोस्तों ये हो चुका है हमारा, अभी दिखाता हूँ मैं हमारा अकाउंट पर बैलेंस कितना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 100 रुपये में से 1 रुपया कट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं सेकंड नंबर ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों ये मेथड काम तभी करेगा जब फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट का होगा। मान लीजिए कोई शॉप पर गया, वहाँ से आपने कुछ सामान खरीदारी किया, तो अगर उनके पास फ़ोन पे का जो बारकोड होता है अगर वो उपलब्ध है, तो आप इसे स्कैन करके इजीली पेमेंट कर सकते हो और उसके बदले आप सामान को खरीद सकते हो, या आप किसी शॉप पर जा सकते हो जहाँ पर पैसे मनी विड्रॉल वगैरह करते, तो उनको अगर 100 रुपया आप उनका फ़ोन पे वॉलेट पर दे देते हो, सॉरी फ़ोन पे क्यूआर कोड पर दे देते हो, तो वो आपको 100 रुपये कैश दे देगा। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। तो सेकंड ट्रिक के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, इस तरह स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे रिचार्ज एंड पे बिल्स। आपको क्या करना है, इस जगह पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखो व्यू ऑल लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऊपर आप जैसा ही क्लिक कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों परचीज़ के ऊपर देखने को मिलेगा गोल्ड का ऑप्शन। सिंपली आपको गोल्ड के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। गोल्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऑप्शन निकल के आता है, दो ऑप्शन निकल के आ रहा है, देख सकते हो स्टार्ट SIP और बाई वन टाइम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाई वन टाइम के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपके वॉलेट पर जितना भी बैलेंस है, अगर आप जितना का चाहते हो आपको विड्रॉल करना है आप इतना डाल सकते हो। जैसा आप लोगों को पता ही है, 100 रुपये में से 1 रुपये मैंने QR कोड पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना है, सिर्फ 99 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 99 डाल दूंगा। 99 डालने के बाद
यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 1 रुपये का भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हो। तो अभी ध्यान से वीडियो को देखिए, यहाँ से दोनों ऑप्शन है, आप सेल करने मतलब बाई किस से करना चाहते हो, ग्राम से करना चाहते हो या रुपीज से करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे रुपीज सेलेक्ट करने वाला हूँ, उसके बाद आपको परचेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे को 99 पे कितना मिल रहा है, टोटल मेरा ये अमाउंट रहेगा 2.88 पैसा मेरा GST कटेगा, तो टोटल बचा कितना है 96.12 पैसे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना है दोस्तों। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा कैशबैक, फ़ोनपे, गिफ्ट कार्ड, ये ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा ही आप पे के ऊपर क्लिक कर देते हो आपका ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बदले मेरे को यहाँ पे गोल्ड मिल गया, आप लोग देख ही सकते हो कितना गोल्ड मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 99 रुपीस पर इतना गोल्ड मुझे मिल गया। अभी मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ से बैग जाना है, बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो हमने अभी अभी परचेज किया उसी का यहाँ पे दिख रहा है। देखो 95.84 पैसा इसमें दिखा रहा है, तो इसमें थोड़ा बहुत चार्ज भी काटता है 1-2 रुपया GST का, तो ये भी ध्यान रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस तरह एक टिक लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक कर देते हो आपके सामने कुछ इस तरह ऑप्शन निकल के आएगा, करेंट आपका इतना दिखा रहा होगा, आपका जो भी वैल्यू बन रहा है, जितना पैसा आपने लगाया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हो सेल गोल्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हमारे पास अभी कितना गोल्ड है, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे मेरे पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है और जिसका वैल्यू बन रहा है 92.82 पैसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ग्राम डाल दूंगा, ठीक है, नहीं तो पैसा डाल दूंगा यहाँ पे 92.82। यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया जा रहा है, हमारे पास इतना गोल्ड है और इसका कितना रुपया बनता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, अभी अभी हमने इसे परचेज़ किया है, तो यहाँ पे फोन पे क्या बोल रहा है हमको कि यहाँ पे आप सिक्योरिटी रीज़न के वजह से आप इसे सेल नहीं कर सकते हो, 24 आवर्स के बाद आप इसे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स के बाद जैसा ही आपका ये 24 आवर्स कम्प्लीट हो जाता है, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जितना भी अमाउंट यहाँ भी दिखता है दोस्तों, जैसा मान लो यहाँ पे 92.82 दिख रहा है, तो आपके केस में हो सकता है ज़्यादा दिख रहा हो या कम दिख रहा हो, जितने का आप परचेज़ किया उसके अराउंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाएगा, जितना भी अमाउंट दिखाता है आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसा मैंने डाला 82 रुपीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये शो नहीं कर रहा है, तो अभी जैसे ही यहाँ पर आप डाल देते हो ना 24 घंटे के बाद, तो ये शो करेगा। सिंपली इसके ऊपर आपको सेल के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये जो अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट पर रिसीव हो जाएगा। कौन सा बैंक अकाउंट पर रिसीव होएगा ये यहाँ पर दिखा देगा, जैसा कि मेरा इसमें दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरह दोस्तों आपको सेल कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक कर देते हो 3 से 4 घंटा कभी कभार 24 घंटा भी लग सकता है, तो आपका ये जितना भी अमाउंट है ना डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला कि किस तरह आपका गिफ्ट वाउचर जो भी आपको अमाउंट मिलता है आप इसे इजीली बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट कार्ड पे मेरा 100 रुपये था, उसमें से 1 रुपया मैंने रैंडम QR कोड पर डाल दिया और 99 रुपीज़ का मैंने गोल्ड परचेज कर लिया। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही रहेगा इसमें अभी 0 दिखा रहा है, तो उसमें से 1 रुपया मैंने किसी रैंडम बंदे को भेज दिया, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये इसका नाम है, जो भी है मैंने आप लोगों को चेक करने के लिए दिखाया कि ये परफेक्टली वर्क करता है, आप भी किसी को भी पे कर सकते हो। सिर्फ ये तभी काम करेगा जब दुकानदार के पास होगा फोन पे बिजनेस का, तभी ये काम करेगा, इसका आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप सोचो कि किसी का भी फ़ोन पे गूगल पे का QR कोड पर स्कैन कर लिया और भेज दूंगा, नहीं दोस्तों उस पर ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये केवल काम तभी करेगा जो दुकानदार के पास QR कोड रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिला होगा, फिर भी कोई परेशानी आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते कोई और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।